नमस्कार बच्चों, आज हम निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो निबंध लेखन क्या है, पहले हम इसे अच्छी तरह समझ लें। बच्चों, निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ। मतलब जब भी आप किसी समारोह में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तब आप अपने उपहार को कितनी अच्छी तरह से सजाते हैं, है ना, उसे आप अच्छी तरह से बांध कर प्रस्तुत करते हैं। तो निबंध भी इसी तरह से प्रस्तुत किया जाता है, अच्छी तरह अपने शब्दों को बांधकर। निबंध लिखने वाले को अपने जो शब्द हैं उनको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का मौका निबंध के द्वारा ही मिलता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लें कि निबंध तीन भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है प्रस्तावना, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उपसंहार। प्रस्तावना, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं बच्चों, तो प्रस्तावना में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब भूमिका बांधकर बताते हैं अपने शीर्षक के बारे में। फिर आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट को आप विस्तार से बताते हैं, है ना, जो विषय है उसको आप अथा मतलब गहराई से बताते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर आता है उपसंहार। उपसंहार में आप उस निबंध का पटाक्षेप करते हैं, उसको किस तरह से संक्षेप में आप उसके सकारात्मक पहलुओं को बताते हुए उसकी समाप्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रमुख तीन भाग हो गए निबंध लेखन के। अब हमें यह भी जानना चाहिए कि निबंध लेखन में हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए या किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला प्रमुख बातों में से पहला है विचार करना। आपका जो शीर्षक है, जो विषय है, उस पर आप विचार कीजिए, उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए, है ना, मतलब उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है यह आप अपने मन ही मन में एक बना लीजिए या रफ वर्क करके इसे आप कॉपी में लिख लीजिए। रूपरेखा तैयार करने के बाद आप जो दूसरी बात पर ध्यान देंगे वह है विचारों को क्रमबद्ध लिखना। अर्थात आपको विचार आ गया कि मुझे क्या करना है, कैसे लिखना है, लेकिन उसे आप प्रस्तुत कैसे करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से। आपके विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन आगे पीछे अटपटे से हैं, तो पहले उसकी आप एक लिस्ट में लिस्ट की तरह बनाकर लिख सकते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना, उसको क्रमबद्ध तरीके से बताना है। तीसरा है किसी बात को बार बार ना दोहराना। जब आप निबंध लिखें तो हमेशा ध्यान रखें किसी भी बात या किसी भी वाक्य को आप बार बार ना दोहराएं, उससे आपके निबंध की जो सुंदरता है वो कम हो जाती है। चौथा है भाषा सरल एवं रोचक हो। आपके विषय, आपका निबंध बहुत अच्छा है लेकिन अगर उसकी भाषा कठिन या कॉम्प्लिकेटेड टाइप की हो तो लोगों को समझने में दिक्कत होगी, है ना, तो अपनी भाषा को सरल रखें और रोचक रखें ताकि पढ़ने वाले पाठक को यह रुचिकर लगे। पांचवा शब्द है लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट हो। आपके विचार बहुत सुंदर हैं यहाँ पर, है ना, और आपके दिमाग में यह भी स्पष्ट है कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपके निबंध को पढ़ने वाला उसको समझ नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी भाषा सरल और रोचक हो। चौथे नंबर पे हम देखें कि आपकी भाषा जो है निबंध की, उस विषय के बारे में लिखने की, वह सरल एवं रोचक हो। अर्थात आप अपने निबंध को ऐसी सरलता और रुचिकर ढंग से लिखें कि पढ़ने वाले पाठक को वह बहुत अच्छी लगे और उसे समझ में आ जाए। यदि आपकी भाषा बहुत ही कठिन, मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होगी तो पढ़ने वाले को उसमें कोई रुचि नहीं होगी, है ना। अब पांचवें नंबर पे है लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट हो। आपके विचार और आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपके दिमाग में बहुत ही सुंदर हैं, स्पष्ट हैं आपको, लेकिन अगर आपकी लिखावट सुंदर और स्पष्ट ना हो तो आपकी बात श्रोता तक या पाठक तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अपने विचारों को स्पष्ट लिखें और सुंदर लिखावट में लिखें। अंत में मैं बताऊंगी नंबर छह, शब्द सीमा का ध्यान रखें। जब भी आप निबंध लिखें बच्चों तो एक लिमिटेड समय आपको दिया जाता है ना, कि आप अपने परीक्षा को इतने ही समय के अंदर पूरी कर सकें। तो उसी तरह से
समय शब्दों की सीमा निबंध के लिए दी जाती है, है ना। समय की सीमा परीक्षा में दी जाती है और निबंध लिखने के लिए शब्दों की भी सीमा होती है। आप एक निर्धारित शब्द सीमा तक ही लिख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा लेंदी टाइप का ना लगे या पढ़ते पढ़ते वो उबाऊ टाइप का ना लगे, है ना। तो हमेशा आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपके निबंध अच्छे लगेंगे, रुचिकर लगेंगे और हर कोई उसे बार बार पढ़ना चाहेगा, साथ ही साथ आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, सुनिएगा और अपने अगले विषय पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको नया शीर्षक दूंगी। धन्यवाद।